जी मैं यहाँ पे एज ए जूरी आई हूँ. सो शो बहुत ही अच्छा था, जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा है एंड अच्छा लगा. यहाँ पे सर जी से, पॉल सर से आज पहली बार मिलूँ. शैलेश भाई को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बट इनसे आज पहली बार मिलूँ. सच अ काइंड पर्सन है. आज पहली बार मिल के मतलब कुछ प्राउडनेस नहीं है. लोग होते हैं ना कि चलो मैंने ऑर्गेनाइज किया, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मेरे लोग हैं यहाँ पे सब देख लेंगे, लाइक ऐसा कुछ नहीं है. सब खुद देख रहे हैं, सब खुद कर रहे हैं और शो बहुत ही अच्छा गया है. मस्त. नेक्स्ट टाइम श्योर इससे भी बहुत अच्छा होगा आपका शो. थैंक यू. ये अवार्ड शो में जितने लोग आए थे, पहले तो उनसे मैं सॉरी कहना चाहूँगा अगर कोई त्रुटि हो गई होगी. और एक जूरी में थे, इसके साथ मेरे पंजाब के एक एक्टर थी दिलजोत, वो जूरी में थी. और हमारी लेस्ली भी अभी हीरोइन अच्छी पिक्चर आई रिलीज हुई, तो इनके अच्छी चार दोस्त, तो तीन दोस्त तो इनको प्लस मिला दिया मैंने. अब ये उस दोस्ती को कायम रखे तो एक दूसरे को प्रमोशन मिलेगी. और कार्यक्रम हमारा सेकंड सेशन था, ये कार्यक्रम मुझे लगता है मेरे हिसाब से अच्छा हुआ. और मेरे दो फ्रेंड भी है, ये दोनों ये बताएंगे कैसे हुआ. मैं अपने मुँह का लाल करूँ. थैंक यू. अभी नेक्स्ट शो मेरा 21 को अहमदाबाद में है, सोनू सूद और बिंदु दारा से. उसके बाद में फिर राज्यपाल का मेरा अवार्ड है. अच्छा, मेरा जो जय श्री राम शो चल रहा है उसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं. वो जय श्री राम शो 29 को मेरा जयपुर में है, और वो शो पूरे मुंबई में मैं 32 शो कर चुका हूँ, और US में भी आप लोगों के आशीर्वाद से 700 हो चुका है, और रिटर्न US में वापस बुलावा आया है. तो वो शो हमारा बहुत अच्छा और बहुत हिट है, और उसमें सारे सेलिब्रिटी है. पुनीत तीसर है, सिद्धार्थ तीसर है, पायल गोगा का पूरे सिंह पर आया जाता है, और बिंदु दारा सिंह है. तो ऐसे अच्छे उसमें लोग, और अच्छा शो हमारा 3 घंटे 24 मिनट का है, 24 मिनट का है, और 3 घंटे 24 मिनट हमने सब कुछ दिखाया अच्छे से. इस शो को अभी हेमा मालिनी ने बताइए 2 शो कराया मथुरा में, नितिन गडकरी ने कराया, मनोज तिवारी ने 3 शो करा, और मनोज तिवारी ने 1 शो ऐसा दिल्ली में कराया फोर्ट, श्री फोर्ट में, कि मोदी जी ने उनको देखा. और हम शो खत्म करके जैसे ही हम परिचय दे रहे तब तक हमको मोदी जी का एक बहुत सुंदर, इतना अच्छी लिखावट वाला पत्र आया हमारे शो के बारे में. तो ये प्राउड फील होता है. और दूसरी मेरी वेलकम वेडिंग में 19 मार्च को ले जी, आप जानते हो ये गोधरा चल रही है, वो भी अच्छी हिट है, टैक्स फ्री की मांग हो रही है. ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और संगठन से काम होगा. इसमें 4-4 मॉडल्स बहुत ही मतलब न्यू थे, जैसे एक वो विश्वास थी कलकत्ता की. तो ये लोग अगर आगे बढ़ेंगे और यहाँ से अगर मौका मिलता है और ऐसे ज्यूरीज और मौका देंगे तो प्राउड होगा. देखिए इस कार्यक्रम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, राम भाई वो हमारा हीरा है, वो है कि अगर मिट्टी को छूते तो सोना बन जाए. राम भाई के लिए जितना कहना चाहे उतना कम है. आज का शो बहुत अच्छा हुआ, आने वाले शो के लिए भी राम भाई को पहले से एडवांस में हम शुभेच्छा. थैंक यू. नमस्ते, मेरा नाम गौरव शाह है, मेरा एनजीओ है 9 वर्ष से. हमारे एनजीओ के माध्यम से कई शिक्षा का, बच्चों की शिक्षा का पढ़ाई का काम जिम्मा में उठाता हूँ. अब ब्लड डोनेशन कैंप करता हूँ, राशन बांटता हूँ, रहता हूँ, सेवा करता हूँ. और ये इस तरह के अवार्ड मुझे कई सारे मिल चुके, इस अवार्ड से मुझे प्रेरणा मिलती है और सारे काम करने के लिए. थैंक यू शैलेश, शैलेश भाई और राम भाई. थैंक यू. थैंक यू, आपने हमें ये मौका दिया पढ़ना जी. एंड ऑल्सो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मेरी बेटी फर्स्ट टाइम आज रैंप वॉक कर रही है. अपकमिंग मॉडल कैसा लग रहा बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार था. एंड आई एम सो प्राउड टू बी हियर. थैंक यू सो मच. अंदाज़ सर भी आए एंटरटेनिस्ट जी, आप सब क्या कहना चाहेंगे? ये शो एकदम हिट हो गया है मंदार सर के आने में. और जैसे ही मंदार सर आए मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम दिया यहाँ पर, क्योंकि अमूमन वो बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, तो उनको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता. जैसे उन्होंने कहा कि मेरा टीवी जो है
है वो दूसरा घर बन गया है। तो वहाँ से मैं वहाँ जाता हूँ, बूढ़े बन जाता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर मंदार बन जाता हूँ। तो टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मंदार सर एंड ऑफकोर्स वेरी थैंकफुल टू भाग्यश्री एंड राम सर, जिन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था। एंड इवन मंदार सर इतने डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने बच्चों से लेके बड़ों तक सबके साथ बहुत अच्छी अच्छी सेल्फी खींची और सबको टाइम दिया था। यस एंड द फैशन शो वाज रियली वेरी गुड। शंकर अवार्ड मिला है, आई एम सो हैप्पी एंड भाग्यश्री मैम के हाथों से मिला। एंड ग्लोरी अवार्ड से आपको पता है बहुत बड़ा अवार्ड है, उनका सीजन 2 है। रामपाल जी, विश्वकर्मा सर, सरेश जी एंड मोनिका मैम ने बहुत बढ़िया शो किया है आज। ग्लोरी ग्लोरी अवार्ड, आई जस्ट लव इट। आप देख सकते हो कि यह अवार्ड जो है बहुत खास है, ग्लोबल ग्लोरी अवार्ड ये हर जगह पर छाया हुआ है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड रिसीव दिस अवार्ड। Happy to receive Global Glory Award 2024 season 2. जी मेरी अभी फिल्म आ रही है अभय देओल जी के साथ तमिल में, एंड मेरी अभी हिंदी में फिल्म रिलीज हुई है शक्ति कपूर जी के साथ रॉकी द स्लेव, एंड बहुत सारी दूसरी फिल्में आ रही है, सो शूटिंग चल रहा है। थैंक यू सो मच। फाउंडर है ओनर ऑफ अनमा डिजाइन। आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और जिस तरह का यहाँ का प्रेजेंटेशन का जो एटमोसफियर था वो बहुत ही अच्छा था। और भाग्यश्री मैडम के हाथ से ये अवार्ड मिला, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और हमारे डिज़ाइन सब जगह पे रहते हैं, काफ़ी जगह पे हमारे सेलिब्रिटी और गेस्ट लोग के लिए डिज़ाइन जाते रहते हैं, फैशन शोज भी होते रहते हैं। अनमा डिजाइन से नासिर सुल्तान। मुझे ये प्रोग्राम में आके बहुत खुशी हुई, अवार्ड मिला मुझे। राम साहब ने शीलेश भाई ने मुझे बुलाया और उसमें मेरा बुला के सम्मान दिए मुझे। आज एक अच्छा घर लिया है मैंने। मैं काफ़ी इवेंट भी करता हूँ और काफ़ी इवेंट को फंड भी करता हूँ। आज मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उनकी वजह से वो नहीं है। मैं कंपनी नेम है सौरभ एंटरटेनमेंट। सौरभ एंटरटेनमेंट हर इवेंट को फंड करती है और इस इवेंट को भी फंड किया है और बहुत अच्छा इवेंट था। अभी मेरा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है करिश्मा कपूर जी का जिंजर होटल। और बाकी आकाश भाई हमारे बारे में बताइए। सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे से ही धरती पर सीढ़ियों में भाग लिया और काफ़ी अच्छा गणपति गणेश चतुर्थी के टाइम पर काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन रखा था मेरे, उसमें भी मुझे इनवाइट किया एंड और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र नहीं हमारे भाई बन गए और हमारे हर इवेंट में धरती पर सीढ़ियों का एक लोगो नेक्स्ट टाइम पर चलेगा और धरती पर सीढ़ियों के नाम पर मैं फुट फंड करूँ, ये मेरा प्रॉमिस है मीडिया के नाम, क्योंकि धरती पर चढ़ी हो अब मेरे लिए अनमोल नहीं है, मेरे परिवार है। मैं उसको खुद प्रमोट करूंगा कि जिससे लोग घर में आए और उनको अपने जैसा स्वर्ग लगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर मीडिया पीपल, थैंक यू सो मच। हाँ मेरे घर पे कुत्ते ना बहुत भूखे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी लो वो, मतलब लेना मत मेरा, पैसे करो मैं जल्दी। आप पी दिया लो खूबसूरत, इस खूबसूरत अवार्ड को मेरी जैसी खूबसूरत लेडी के हाथ में और खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। कितनी खुश हो गए भाई साहब, भाभी जी जाती हैं आपको, कहाँ है वो दिख नहीं रही है। हाँ सभी अच्छी तभी ताली मारी है। हाँ आप ही थी। प्रीति कम ना भैया वो ले लेंगे, बोले आप ले लो मीनाक्षी को ले लो। और आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम दिस वंडरफुल इवेंट। थैंक यू सो मच। And we believe that financial literacy is very much important in every family. So we provide such education to everyone.
And apart from this, we also provide education to the students who are basically seeking for the job and experience for the corporate world. Thank you so much. मेरी कंपनी में डिसीजन फैसिलिटी शो और इसो टैलेंट शो ओपन माइक वगैरह में शो ऑर्गेनाइज करती हूँ और साथ में वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी काफी काम करती हूँ. और थैंक यू मिस्टर शैलेश पटेल जी और मिस्टर राम जी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और ग्लोबल ग्लोबल अवार्ड के लिए चुना गया है तो मैं इसी तरह से आगे बढ़ रही हूँ. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे आपके बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है भागीरथी के इवेंट पे गाने के परफॉर्मेंस पे क्या प्राउड फील कर रहे हैं? पहली बात हो कि मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं आज जो भाग्यश्री का मैंने प्रेजेंटेशन दिया मेरे बच्चों ने ट्रिब्यूट किया उस गाने पे जो जितने भी उनका हिट गाने थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने सालों के बाद भाग्यश्री को देखा और उनके सामने मेरे बच्चों ने परफॉर्म किया है उसके लिए थैंक यू सो मच. और राम कुमार सर को काफी थैंक यू कहना चाहूंगा उनके वजह से मैं आज तुम्हारा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है और सबके साथ मैंने अपना एक कोरियोग्राफी किया जो उनके गाने के ऊपर और सबके सामने प्रेजेंटेशन दिया उनको और भाग्यश्री को बहुत ही पसंद आया और उन्होंने काफी तारीफ की मेरे बच्चों लोग को. और बच्चों लोग आप कुछ कहना चाहेंगे भाग्यश्री के बारे में? थैंक यू भाग्यश्री, दिस इज ट्रूली अमेजिंग टू मी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ओटीटी के लिए अवार्ड मिला है, बहुत अच्छा फील हो रहा है. I'm Preeti Rastogi, I'm fashion model. I won Dada Saheb Phalke Award and Miss India 2024 Earth also. I won more than 14 awards in a 1 year. So I got this award because I won many awards also. Even I work as a fashion model and I'm an artist and dancer too. Thank you so much. Hello media, आप सभी को मेरा प्रणाम है, नमन है. मैं हूँ राजस्थान की सिंगर परफॉर्मर मधु भाट. मैंने बॉलीवुड में भी गाया है और मैं राजस्थान से पिंक सिटी से स्पेशली इस अवार्ड को लेने आई हूँ. ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि किसी भी अवार्ड को बनाने के लिए बहुत जिगरा चाहिए और ये जिगरा दिखाया हमारे राम सर ने. और थैंक यू सो मच कि आप सब लोग पधार कर हमारी कोशिश को, हमारे छोटे से स्टेज के किए गए प्रयास को इतना आगे तक पहुँचाते हो. तो थैंक यू सो वेरी मच, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू सो मच. जो रामपाल जी है और कैसा रहा यहाँ पर माहौल और आपको कितना अच्छा लगा यहाँ पर आके? नहीं होता अगर एक कलाकार को, एक परफॉर्मर को जब भी अवार्ड मिलता है यू ऑलवेज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट द अवार्ड. इतने सालों की मेहनत, आई थिंक ये कुछ अलग टाइप का अवार्ड है. मोस्ट अमेजिंग सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर अवार्ड, ऐसा पहली बार मैं सुन रही हूँ. तो अच्छा लगता है एज एन यू नो इतने साल तक सोशल मीडिया पे भी रेलिवेंट रहना, अलग अलग कंटेंट बनाना, ब्लॉगिंग करना, इट्स अ ग्रेट टास्क. एंड उसके लिए अगर अवार्ड मिल रहा है तो इट्स लवली. थैंक यू. बहुत सालों से आपने टीवी किया है, फिल्में की है, चीज किया है, ऐसा क्या कुछ है जो आप कहना चाहती है या कुछ करने वाली है, कुछ बड़ा सिखाई दिखाकर? बस अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है. ओटीटी है जिसपे काफी सारे प्रोजेक्ट्स है, टीवी तो चलता ही रहेगा एंड डिजिटल में भी बहुत स्कोप है क्योंकि अभी मैंने हाल ही में मेरी एक यूट्यूब चैनल है, व्लॉगिंग कर रही हूँ, सो पॉडकास्ट किया है एक नया एंड द शो इज कॉल्ड रियल वुमेन बिग स्टोरीज, सो प्लीज डू वॉच इट जिन्होंने नहीं देखा है शो. सो बहुत सारी चीजें हो रही है एंड आई थिंक एक एक्टर को रेलिवेंट रहना, टाइम्स के साथ चलना, हर एक
अपॉर्चुनिटी को यू नो खुशी से एक्सेप्ट करना आई थिंक एक कलाकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. कुछ साल पहले ऐसा लग रहा था कि ये सोशल मीडिया क्या है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के बिना चलेगा ही नहीं. थैंक यू. और मुझे बहुत खुशी हुई थी, मानव सेवा कर रहे थे और मानव सेवा करना चाहते हैं और इस अवार्ड से काफी कॉन्फिडेंस. ये ऑनलाइन से लिया हुआ और ये इसका ही तारीफ हो रही है. हाँ बढ़िया सर. हमारे भाई साहब आए हैं देहरादून से, तो उनको सोशल वर्कर के हिसाब से उनको अवार्ड मिला है और ये मानव सेवा करते रहते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सेवा करते हैं. और इनका मकसद है कि जो बीटेक वगैरह बीटेक और बीकॉम करने के बाद स्टूडेंट्स की जो आगे पे करके पढ़ाई नहीं कर पाते, उनकी वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वो मदद करते हैं. तो मेरा सारा इनके लिए है कि भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और आप हमेशा ऐसा सेवा का काम करते रहे. बस ये थैंक यू. हम भावना जैन और ये भी काफ़ी लोगों की मदद करते हैं जिनको जरूरत रहती है, पढ़ाई भी स्कूलों में किताबें भी बांटते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते रहते हैं और हमेशा वो कहीं कहीं धार्मिक आयोजनों में सेवा देते रहते हैं. तो इनको आज ये सम्मान मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और ऐसे ही सेवा करते रहिएगा. बहुत अच्छा अवार्ड किया, सोशल वर्क तो करते ही है, सदियों से करते आए हैं, 30 साल से करते हैं. हमेशा आपने एक एडवोकेट की तरह देखा है, एक सोशल वर्कर की तरह देखा है, एक एक्टिविस्ट की तरह देखा है. पहली बार प्रोडक्शन की पहला प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस गाने को पसंद करें. दिस इज द वीडियो एल्बम कमिंग सून ऑन दशहरा इंशाल्लाह. और ये हमारे साथ में हमारे प्रोजेक्ट में लीड कर रहे हैं सलमान शेख, ये हमारे प्रोजेक्ट में हीरो है और वीडियो एल्बम. तो मैं चाहती हूँ अपनी टीम के साथ ये पोस्टर की ओपनिंग हो. अवार्ड जो है वो एज एन एक्टिविस्ट मिला है. आप सभी जानते हैं हेल्थ केयर फाउंडेशन इंडिया नंबर वन एनजीओ फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस. जब भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जब भी कोई नाम लेता है तो शायद मुंबई नहीं हिंदुस्तान भर में लोग मेरा नाम सजेस्ट करते हैं. तो बड़े बड़े लोगों से मेरी पहचान नहीं, छोटे लोगों से मुझे लगाव है. गरीबों के लिए काम करती हूँ, जमीन से जुड़ के चलती हूँ. लोग अपनी ऊंची हील के ऊपर अपनी औकात भूल जाते हैं, कड़क स्त्री कोट की पहन के अपनी औकात भूल जाते हैं. हम वो जज्बा लेके चलते हैं जो हिंदुस्तान के लिए जीते. खुदा हाफिज़. थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं शैलेश पटेल जी को और राम कुमार जी को और हमारे मीडिया को जो हमें पेपर करते हैं, सबको दिल से थैंक यू. और हमारी सीनियर्स के हाथ से हमें अवार्ड मिलती है तो बहुत खुशी होती है एंड प्राउड फील होती है कि भाग्यश्री में हमको हम लोग देख के बड़े हुए आज इंडस्ट्री में जो भी कर रहे हैं तो हमारे वो उनके सामने हम लोग जूनियर्स हैं तो खुशी होती है. और एक खुशखबरी और बताना चाहती हूँ, आप लोग अल्ट बालाजी पे जाएं और मेरी वेब सीरीज रिलीज हुई है बंद दरवाजा टू, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखें क्योंकि यूट्यूब पे वो नहीं मिलेगी. बंद दरवाजा में खोल के देखिए. थैंक यू थैंक यू. और बताइए आपको कौन से डिग्री के लिए अवार्ड मिला है, क्या कहना? एक्चुअली मैं टीवी एक्ट्रेस हूं जो सीरियल्स में वर्क करती हूं. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ टेबल पर आकर, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत ट्रोल करा था कि हेल्दी है कुछ नहीं कर पाएगी, तो आज टेबल पर पहुँच कर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हाँ आगे भी बढ़ सकती हूँ और आगे भी जाऊँगी.
थैंक यू।